एवरीवन, माय नेम इज लाल बहादुर एंड यू आर वाचिंग एलए टेक्निकल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे यूट्यूब पर एक प्रोफेशनल वे से वीडियो अपलोड कर सके ताकि हमारे अच्छे खासे व्यू आएँ और सब्सक्राइबर बढ़ें। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना कि यूट्यूब पर सभी लोग वीडियो अपलोड करते हैं, बट सभी के व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो आखिर जिनके व्यू बहुत ज़्यादा आता है या सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, वो ऐसा क्या करता है वीडियो को अपलोड करने के टाइम? इन सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो पर कवर करेंगे। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप YouTube को ओपन करोगे, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगी। सबसे नीचे आपको दिखेगा प्लस का एक सिंबल, आपको सिंपली उसको टच करना है। जैसे आप उसको टच करोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड ए वीडियो। आपको अपलोड ए वीडियो में जाना, फिर जो वीडियो अपलोड करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इसका टॉपिक है हाउ टू सेव इंटरनेट इन विंडोज 10। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट जैसे करोगे, ये पेज आपके पास सामने आ जाएगी। तो इस पेज में इसको हमेशा अनलिस्ट में रखना है, पब्लिक नहीं करना है। अनलिस्ट में रखने से ये होता है कि जब तक आप अपने वीडियो पर फिनिशिंग नहीं कर लोगे, तब तक आपका वीडियो कोई देख नहीं सकेगा। फिनिशिंग का मतलब से है टाइटल जब तक लगा नहीं लोगे, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, ये सब जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आपका वीडियो कोई देख नहीं सकेगा, अगर आप अनलिस्ट में रखोगे तो। अब इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद, येस इट्स मेड फॉर किड, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड, सॉरी, दो ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आपको करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आप यस इट्स मेड फॉर किड करते हो, तो ये बच्चों को दिखाया जाएगा और आके वीडियो पे जो कमेंट लोग करते हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा करना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड। करने के बाद सिंपली आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही अपलोड पे क्लिक कर दोगे, ये वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस चलिए बताते हैं। आगे आप टाइटल कैसे लगाओगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे, ये सब बताते हैं आगे। चलिए, वीडियो अपलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है YT स्टूडियो, जो 8 MB अप्रॉक्स होता है। आप प्लेयर स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम YT स्टूडियो के थ्रू ही उसमें डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, टाइटल्स लगाएंगे और टेक्स्ट लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है। तो ये रहा YT स्टूडियो। ठीक है, ये YT स्टूडियो रहा, तो मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप YT स्टूडियो को ओपन करोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैंने जो अभी वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो है ये वीडियो है वो। ठीक है, हाउ टू सेव इंटरनेट डाटा इन विंडोज 10। ठीक है, ये वीडियो है। अब इसको इसमें टाइटल लगाने के लिए, डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए, आप सिंपली ये जो पेंसिल का सिंबल उसको टच करोगे। अब यहाँ से आप डिटेल जो भी एडिट करना चाहते हो, अपना टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन सब यहाँ से लगेगा। ठीक है, तो अब आपको लगाना है टाइटल। टाइटल आपको लगाना है कि आपका जो वीडियो जिस रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक टाइटल लगाना है। ठीक है ना, तो मेरा है कि हम विंडो पे जो डाटा बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है, उसको कैसे बचाएंगे। ठीक है ना, तो अब टाइटल हम कैसे सोचेंगे कि टाइटल क्या लगाएंगे, उसके लिए आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना। अपने यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे ही सब चीज़ मिलेगा, टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन सब वहीं पे मिल जाएगा। मैं यूट्यूब पे गया, यहाँ पे लिखना है हाउ टू सेव। ठीक है, हाउ टू सेव इंटरनेट सिर्फ लिखोगे तो ऑप्शन आ जाएगा बहुत सारा। ठीक है ना, तो हाउ टू, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाउ टू सेव इंटरनेट डाटा इन विंडोज 10। मेरा टॉपिक यही है, तो सेम इसी को, ठीक है ना, इसी को मैं लगा दूंगा अपना टाइटल। बाकी जो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और कुछ को टेक्स्ट में लगा दूंगा। तो इसलिए आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसी से आपको टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन और टाइटल बनाना है। जो फर्स्ट में उसको टाइटल बनाना है, तो फर्स्ट में था हाउ टू सेव इंटरनेट डाटा इन विंडोज 10, मैंने उसको टाइटल बना दिया। अब लोग हिंदी में भी सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको हिंदी से भी लिखना है विंडोज 10 में ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल क्यों होता है, इसे कैसे रोके। आपको सोचना होगा कि लोग दो तरीके से सर्च कर सकते हैं, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी। तो मैंने इंग्लिश तो लिख दिया, साथ में हिंदी भी लिख दिया। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन, यहाँ सेकंड जो टाइटल के जस्ट नीचे जो, उसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ठीक है, तो इसको टच करना है। अब पहला जो आपका टाइटल है, सेम उसी को उतार देना है डिस्क्रिप्शन में। पहला काम ही करना है, जो टाइटल है उसको कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन में लिख दो।
उसके बाद आप वीडियो के बारे में कुछ लिख सकते हो कि हाय फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करोगे डाटा तो कैसे खत्म होता है, मतलब जो आपके वीडियो जिस चीज़ से रिलेटेड हो आप थोड़ा सा उसे यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आप हिंदी से भी लिख सकते हो, हिंदी से भी लिख देना, इंग्लिश से भी लिख देना, ताकि लोग अगर हिंदी सर्च करेंगे फिर भी आपका वीडियो आएगा, इंग्लिश सर्च करेगा फिर भी आपका वीडियो आएगा। वो थोड़ा अपने बारे आपको लिख देना, हाय आई एम लाल बहादुर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। आप अपने चैनल के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, इससे क्या होता है कि आपका डिस्कशन जो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है ऐसा लिखोगे तो आप, ठीक है। तो अपने बारे थोड़ा लिख दिया, अपने चैनल के बारे लिख दोगे, चैनल आप जैसे मैंने लिखा है टेक्निकल यूट्यूब चैनल वेयर यू विल फाइंड टेक्निकल वीडियो, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका जो भी वीडियो चैनल रहेगा, जिस जो कंटेंट आपका चैनल पर आता है उसके बारे लिख देना है। ये भी बोलना है कि डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये देखेंगे तो लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे, ठीक है ना। फिर यही बोलना है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और जो भी आपको सोशल मीडिया का सोशल मीडिया पे आपका जो भी है फेसबुक इंस्टाग्राम उसे आप फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे मैंने क्या बोला है फॉलो मी ऑन फेसबुक का लिंक दे दोगे, इंस्टाग्राम का लिंक दे दोगे, ठीक है ना। और फॉर बिजनेस इंक्वायरी के लिए अपना ईमेल आईडी दे दोगे आप। अब योर क्वायरी, ये बहुत मेन है, यही इसका मेन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट भी है, डिस्क्रिप्शन है, दोनों है, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दोनों है। योर क्वायरी में आप जितना कुछ लिख सकते हैं, 5000 वर्ड से आप का है, आप जितना भी लिख सकते हो कि अपने वीडियो से रिलेटेड, ताकि लोग जो भी सर्च, जैसे विंडो 10 में नेट प्रॉब्लम, लोग ऐसे भी सर्च कर सकता है, विंडो 10 में MB बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्या करिए, ऐसा भी सर्च कर सकता है। तो उन्हें ये भी लिख दिया है विंडो 10 नेट पैक कितना जल्दी क्यों, इतना जल्दी क्यों खत्म होता है, लोग ऐसा भी सर्च करता है बहुत सारे लोग, तो मैंने ये लिख दिया। मोबाइल हॉटस्पॉट से लैपटॉप कनेक्ट करने पर MB बहुत ज़्यादा खत्म होता है क्या करें, इस तरह भी लोग सर्च करते हैं। मतलब आपको सोचना है कि लोग किस किस तरह से सर्च कर सकते हैं आपका वीडियो, ठीक है ना, ताकि वो जिस तरह से सर्च करें आपका वीडियो रिकमेंडेशन में आएगा ही आएगा, ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपको थोड़ा डिस्क्लेमर लिख देना है, ये सब करोगे फ्रेंड तो आपका थोड़ा जो चैनल भी है, जो वीडियो भी है, वो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। तो डिस्क्लेमर लिख देना है, दिस चैनल डज नॉट प्रोमोट और एनकरेज एनी इलीगल एक्टिविटी ऑल कन, जैसे मैंने लिखा है अब जस्ट उसको कॉपी करके लिख देना, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन हो गया, अब यहाँ आप पब्लिक कर देना, जो वहाँ आप अनलिस्ट किया था अब यहाँ पे पब्लिक कर देना। पब्लिक करने के बाद अब सबसे नीचे यहाँ लगता है टैग्स। टैग्स क्या लगाना है, वही मैंने कहा जो आप यूट्यूब से जो स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पे जितना भी था सब आप इसको इस टैग्स में लगा देना है, ठीक है। मैक्सिमम 500 वर्ड तक लिख सकते हो आप। तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें जो भी आया था आपकी वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक था सबको टैग्स में लगा देना है। उसको जो आपका टाइटल है उस टाइटल को भी टैग्स में लिखना है फ्रेंड। जब आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स जब मैच करेगा तो गूगल SEO जो होता है, सर्च इंजन जो होता है गूगल का, ठीक है ना, वो आपके वीडियो को हमेशा सर्च इंजन में लाता है। जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका वीडियो रिकमेंडेशन में आएगा ही आएगा, ऐसा करने से, ठीक है ना। यहाँ इतना सब चीज़ हो गया, आपको टाइटल लगाना ही लगाना है, डिस्क्रिप्शन लगाना ही लगाना है और टैग्स, ये तीन चीज़ आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये तीन चीज़ों से ही आपके वीडियो सर्च लिस्ट में आएगा। जब भी कोई लोग सर्च करेंगे तो आपका वीडियो रिकमेंडेशन में आएगा, तो ये तीन चीज़ आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको लगाना है क्या, थंबनेल लगाना है, ठीक है ना। तो थंबनेल लगाने के लिए आप देखो यहाँ पे पेंसिल का जो सिंबल है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पेंसिल का सिंबल को टच करना, ऊपर देखो यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे जो सिंबल है बस उसको क्लिक करो, कस्टम थंबनेल में जाओ आप। अब यहाँ पे आप जहाँ भी अपना रखे हो अपना थंबनेल को सेव करके वहाँ मेरा काम पिक्सल लेव में, मेरा पिक्सल आ गया, ये पिक्सल लेव में यही रखा हूँ अपना, ये रहा मेरा थंबनेल, सेलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करना है और सिंपली सेव कर देना है। अब जो आपका वीडियो है वो कंप्लीट है और लोगों के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप अपने वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब पे तो आपका वीडियो हमेशा सर्च लिस्ट में आएगा और आपके अच्छे खासे व्यू आएंगे और सब्सक्राइबर ही बढ़ने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, थैंक यू।